एक ग्रो कहता था किसल सिर्फ दुखूल पे फर्ज हो जाता है इंजाल शर्त नहीं वाटर डिस्चार्ज जो है वो जरूरी नहीं दूसरा ग्रोह बयान करता था कि वजूब के लिए दुखूल के साथ शर्त है ये तवील किसी फैसला कूरत पर मुंतज न हुआ आखिर करार पाया कि उम्मिल्मिनत तायशा रजील से दरियाफ्त किया जाए हजरत आयशा ने कहा कि रसुल्ला ने फरमायाबहरबाखान फ़कत वजबसल जब मर्द औरत की चार शाहों के दरमियान बैठ जाए और उसका महल खतना औरत के महल खतना के साथ मस करे तो गुसल वाजिब हो जाता है तो मसला ये साबित हुआ कि सिर्फ दखूल पर ही मर्द और औरत जनभी हो जाते हैं और उन पर गुसल वाजिब हो जाता है इंजाल यानी मनी का निकलना शर्त नहीं जनाबत के अहकाम वजूब गसल की हालत को हालत जनाबत कहते हैं वजूब गसल यानी जब गसल वाजिब हो जाता है तो उस हालत को जनाबत कहते हैं जनाबत का लफ जम से जम पहलू को कहते हैं बचना मंदरजा जैल चार हालतों में मुसलमान मर्द और औरत और पर गसल करना फर्ज हो जाता है नंबर एक जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद इसमें एहतलाम भी दाखिल है यानी कोई ऐसा ख्वाब आए या वैसे नंबर दो सोहबत के बाद यानी सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद नंबर तीन हैज के बाद नंबर चार नफास के बाद यानी बच्चे की पैदाश के बाद इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ख्वातिन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुसल वाजिब होता है तो कोई गसल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन चार चीजों में से कोई चीज़ ना हो इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर खुवात अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गसल वाजिब होता है तो कोई गुसल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन चार चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो सिर्फ मनी खारिज होने से बात नहीं बल्कि जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद गुसल वाजिब होता है ने फरमाया, जब तुम औरत की चार शाहों के दरमियान बैठ कर सोहबत करो तो तुम पर गसल वाजिब हो गया अगर ना निकले आपने गौर किया होगा कि तहारत के मसाइल बहुत तफसील के साथ और अपने अंदर बहुत डिटेल्स रखते हैं और बहुत से मौजुआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़ाहरी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी निजी और जतीि जिंदगी से मुतक़ भी हैं लेकिन इस तरह पब्लिकली उनको पढ़ाना और उनको सिखाना ये भी एक ज़रूरत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की खातिन की तारीफ़ की कि अंसार की खातिन कितनी अच्छी हैं जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी तफसीलात क्यों और बाज़ लोग इसको नापसंदीदा करार देते हैं तो ऐसा करना नासमझी की अलामत है हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो उसमें खैर ही खैर है और वो सिर्फ ख़ैर उसकी अपनी ज़ात तक नहीं रहती बाज़ुकात दूसरों की भलाई का जरिया भी बन जाती औरत को भी एहतलाम होता है हज़रत सलमा रज़ी अन्हा रिवात करती हैं कि़रत उम्म ने रसूल अल्लाह सल वसम से कहा अः अल्ला के रसूल यकीन अल्लाह हक से नहीं शर्माता यानि हक बात और एक ज़रूरी बात जो है उसको वाज करना ज़रूरी होता है और उस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा क्या औरत पर गुस्ल है जबकि उसको अहतलाम हो आपने फरमाया हाँ लेकिन जब पानी का निशान देखे यानी मनी देखे इस पर हजरत सलमा ने शर्म से मुंह छुपा लिया और अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल क्या औरत को भी अहतलाम होता है आपने फरमाया हाँ होता है तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो यानि एक प्यार की डांट थी और इसमें हो सकता है कि मिजाज का फ़र्क हो बाज ख़ी के साथ ऐसा ना हो और बाज के साथ ऐसा हो लेकिन उसमें जो असल चीज़ है वो एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज है इसमें कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ इसको रिलेट कर दिया जाए दोनों चीज़ों में फ़र्क है और अहतलाम जो है वो सोते वक्त होता है यानी सोकर उठने पर अगर इंसान अपने कपड़ों पर ज्यादा डिस्चार्ज देखे खा कोई ख़्वाब या कोई फीलिंग याद ना भी हो तो फिर गुसल करना जरूरी मालूम हुआ कि औरत या मर्द नींद से उठ कर अगर तरी यानी निशान मनी देखें तो ये एहतलाम की अलामत है लिहाजा उन पर गसल करना फर्ज हो जाता है और अगर एहतलाम की कैफियत उन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाए यानी ख्वाब याद है लेकिन कोई सामने अलामत नहीं तो गसल फर्ज नहीं होगा ऐसी सूरत में शक की जरूरत नहीं है कि नहीं वो मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही याद है तो मुझे नहाना चाहिए नहीं महज खाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि फिजिकली कोई ऐसी चीज़ सामने देखी ना जाए हजरत करती हैं कि मैंने कहा अल्लाह मैं के रसूल सल अपने क्या मैं उन्हें, उन्हें गुसले जनाबत के वक्त खोला करूं आपने फरमाया उनका खोलना जरूरी नहीं तेरे लिए यही काफी है कि तीन लप पानी अपने सर पर डाले फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाये पस्तु पाक हो जाएगी बालों की जड़े भीगना, स्किन भीगना जरूरी है, है।, है। फरमाने लगी इबन अमर पर ताजुब है उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते ये हजरत आयशा की डांट थी वो ये तो कहने की औरतें बाल खोल खोल के नहाए तो वो फिर सीधा यही कह के औरतें बाल मुंडवा लें मैं और रसूल एक ही बर्तन में गसल करते और मैं अपने बाल खोले बगैर सर पर तीन चुल्लू से ज्यादा पानी नहीं डालती थी मालूम हुआ कि गसल जनाबत के लिए बाल खोलने की जरूरत नहीं मगर ये हुक्म सिर्फ गसल जनाबत का है गसल हैज के लिए बालों का खोलना जरूरी है क्योंकि वो महीने में एक दफा है हज़रत आयशा से रिवायत है कि उन्हें रसूल अल्लाह वसलम ने गसल हैज़ के लिए फ़रमाया अपने बाल खोलो और गसल करो इसमें आप देखिए कि दोनों चीज़ों में फ़र्क क्यों है दोनों की नोयत फ़र्क है और जो है एक नजास्त की कैफियत भी है नदा तो उसके बाद नहाना और नहाकर खुशबू लगाना ख़ासतौर पर उसका सारा हुकुम आता है लेकिन गसल जनाबत में नजास्त की वो कैफ़ियत नहीं है स का खून और मनी जो है इन दोनों के हुक्म में भी फ़र्क है ठीक है न बाज़िल के ख्याल में जो मनी है इट् सेल्फ वो नापाक चीज़ नहीं है अगर किसी कपड़े वगैरह को लग गई तो वो कपड़ा नापाक नहीं है अगर उसको खुश होने पर खुर्च के साफ कर दिया जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा लेकिन खून हैज पर आप सलाह देखेंगे क्या फरमाया चुटकियों से मल मल के उसको साफ करके धोए तो इन दोनों में भी फ़र्क है लिहाजा इन दोनों के बाद नहाने के हुक्म में भी फ़र्क है एक में बाल खोले जाएंगे और बाल भी धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी जबकि दूसरे आम गुसले जनाबत में बाल खोलना और पूरे बाल धोना शर्त नहीं बहुत सी बच्चे ऐसी जिनकी शादी होती है और उसके बाद उन्हें इन मसाइल का पता नहीं होता या तो वह शर्म के बारे नहाती नहीं या नहाती हैं तो फिर वो पूरे पूरे बाल धो धो के सुखाने में और उन चीज़ों में इतना वक्त ज़ाया कर देती हैं कि फिर बाजू का शोहर की नाफरमानी और आपस के ताल्लुकात में टेंशन लोगों का खौफ तो अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मशक्कतों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकता है उसमें क्या सिर्फ तीन कप पानी तीन लप पानी यानी तीन दफ़ा तीन दफ़ा क्योंकि अगर एक दफ़ा डालने से पूरी तरह नहीं भीगा तो आप ये भी कर सकते टैप के आगे सर करके तो सारी स्किन जो है सर की उसको आप गीला कर लें पीछे से बाल जो है अगर लंबे हैं तो उनको एक तरफ कर दें ताकि पूरे बाल ना धोने पड़े ना सुखाने पड़े और ना खुश करने पड़े और बाकी जिसम पे पानी बहा लें दूसरी सूरत यह है कि मग में पानी लेके तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे को एक दफ़ा करें फिर उसके बाद दोबारा करें और तीसरी दफा रोल करके बालों को पीछे से शावर कैप डाल लें और बाकी जिसम फिर धो लें शावर कैप से क्या होता है आमतौर पर कि पीछे के जो सारे लंबे बाल हैं फिर वो नीचे गिर के गीले नहीं होते वो आपके सर पर ही टिक जाते हैं तो सर की स्किन धोएं और बालों को जोड़े की शक्ल में बांध के ऊपर शावर कैप पहन के फिर बाकी जिसम को अच्छी तरह धो लें तो उसमें आप देखें कि जब बिल्कुल सर के स्किन का हिस्सा ही तर होगा और ये तीन दफा करना होगा एक दफा से नहीं काम चलेगा तीन दफा करना ताकि कोई भी बाल बराबर जगह स्किन की खुश्क ना रह जाए तो उससे क्या होगा कि जितना कम बाल गीले होंगे उतने कम देर में उनको खुश्क भी किया जा सकता है और किसी भी मशक्कत के बा...